The next one is very significant and the important one, which is to develop a timetable so that you can track and monitor your progress. प्रोग्रेस सिर्फ प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड में नहीं होती, और भी कई मायने हैं, पैरामीटर्स हैं जिससे आप खुद को आंक सकते हो, खुद को मेजर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको कि आज मैं कल से आधे घंटे ज़्यादा पढ़ा, लाइक यू कीप अ ट्रैक। मैंने अलग अलग पार्ट्स में टोटल पूरे दिन में 4.5 घंटे पढ़ाई की कल, और आज अगर मैंने टोटल 5 घंटे भी पढ़ाई की, सो दैट इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट। अगर मैं कल 9 घंटे सोया और आज मैं 8 घंटे सो के उठ गया, सो दैट इज़ माई इम्प्रूवमेंट। थर्ड मेजर चेंज, पढ़ने की तरफ तुम्हारा मन अगर झुक रहा है, अगर तुम्हें वाकई दिल से लग रहा है कि हाँ मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे पढ़ने जाना है, so that is also a sign of improvement. So ये सब तभी होगा when you will make and develop a perfect timetable, उसको follow करो and keep supervisors upon you. Supervisors मतलब ask your mom कि भाई अगर मुझे 4 से 5 पढ़ना है, so मुझे 4 से 5 अगर मैं सो रहा हूँ उस दौरान तो मुझे उठा दो, and एक super boss रखो like your dad, रात में आते हैं सो उनको बताओ कि मैंने क्या क्या किया, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होते हैं। ऑफिसेस में भी काम नहीं होते हैं अगर हमारे ऊपर बॉसेस नहीं होंगे, अथॉरिटी नहीं होगी, हम काम नहीं करेंगे। इसलिए इन चीज़ों को फॉलो करो, डेवलप अ टाइम टेबल, कीप अ सुपरवाइजर एंड अ सुपर बॉस, योर मॉम एंड डैड। ट्राई, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू।